इमेजिनेशन और इमोशंस लिखता हूँ, इमेजिनेशंस और इमोशंस लिखता हूँ, दर्द और खुशी लिखता हूँ, दर्द और खुशी लिखता हूँ, ये अलग बात है कि तन्हाई में लिखता हूँ, ये अलग बात है कि तन्हाई में लिखता हूँ, पर हर इंसान के जज्बात लिखता हूँ। आजकल हम सब लोग अपने दोस्तों की हकीकत जानते ही हैं, बहुत से दोस्त होते हैं जो आपके सामने यार तू मेरा खास यार है, ये है वो है, बट एंड ऑफ द डे बैक पीट पे वो कुछ और कह रहे होते हैं। सो उनके लिए लिखा है कि मतलबी यारों से थक गया हूँ मैं, मतलबी यारों से थक गया हूँ मैं, अब तो लोगों को दोस्त कहने से भी डर गया हूँ। सो मोहब्बत हर किसी को हुई होगी, मुझे भी हुई थी, मतलब पता नहीं वो मोहब्बत थी या क्या थी, एक तरफा थी, उसे कहा आज तक नहीं, संभाल के रखा, कहना भी नहीं। वक्त से आई बारिश है वो, वक्त से आई बारिश है वो, बेमौसम आया तूफान हो, वो बदल गया, वो बदल गया है कब मिला है जमाने में, जो बदल गया है वो कब मिला है जमाने में, ढूंढने से मेरे यारों अक्सर खुदा कहां मिला है इस जमाने में। सो रिसेंटली आई थॉट कि मेरा एक भाई था छोटा, सो मैंने उसे खो दिया, एंड फिर शायरी को थोड़ा और नया करने की सोची, उसके लिए लिखने की सोची। सो उसके लिए एक पोयम लिखी थी कि काश तू होता, अगर वो मेरे साथ अब होता तो मेरी जो सिचुएशन मैंने लाइफ में देखी है वो सब होती की नहीं होती। तो वो पोयम कुछ इस तरह है कि काश तू होता तो ये होता, नाजुक से पलों में मेरे संग रहता, काश तू होता तो ये होता, नाजुक से पलों में मेरे संग रहता, तू होता तो मेरा हर दर्द का मरहम होता, काश तू होता तो ये होता, लिखूंगा कभी तेरी यादों को संजोग कर, कि काश तू होता तो ये होता, मेरे हर आंसू पे तू रो पड़ता, मेरी हर खुशी के लिए तू लड़ पड़ता, काश तू होता तो ये होता, मेरे संग में हर गम में काश तू होता तो ये होता। मैं नोट डाउन करना भूल गया। किस किस को यहाँ पे मोहब्बत है, मतलब जो अभी यार कर रहा है या कर रहा है, हो चुकी है वो तो बेचारा फिर सैड लिखेगा ना सारा चुप। पूछो किसको नहीं है यार, किसको नहीं है मुझे छोड़ के। सो ए दिल कुछ कहूँ, ए दिल कुछ कहूँ सुनेगा तू, ए दिल कुछ कहूँ सुनेगा तू, चल छोड़ फिर कोई सपना बुनेगा। हम सब किसी ना किसी के लिए जरूरी बन जाते हैं, कोई ना कोई हमारा फायदा उठाता है, तो हमें फील होता है कि यार सब लोग जरूरत के लिए याद करते हैं। सो उनके लिए है, अब खुद की जरूरत खुद बन गया हूँ मैं, अब खुद की जरूरत खुद बन गया हूँ मैं, क्योंकि दूसरों के लिए जरूरी बनने से थक गया हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए ही है जो मुझे सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब उन्हें शायद कोई हेल्प चाहिए होती, ठीक है, अदरवाइज मैं उन्हें कॉल करूं तो बोलते हैं यार आज तो बिजी हूँ, आज मॉम ने काम बता दिया, आज फिर गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना है, ठीक है। अपने वक्त के हिसाब से याद करते हैं वो, अपने वक्त के हिसाब से याद करते हैं वो, फिर मुझे मतलबी होने का इल्जाम करते हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा, सो अभी रिसेंटली एक रेप हुआ था, सो उस बच्ची की आंखों में सब देख किसी ने देखा नहीं, अगर कोई देखता तो शायद उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर देंगी। सो उसके लिए लिखा था कि आंखें कहाँ बोलती हैं, आंखें कहाँ बोलती हैं, पर जब बोलती हैं तो बे इंतहा बोलती हैं। लास्ट पॉइंट है मेरी, मैं उस शख्स से प्यार करता था, उससे कहना चाहता था कि यार कभी तो मिल, कुछ तो बातें करेंगे, कुछ तो कहेंगे, बट नहीं कह पाया। सो उसके लिए आ कभी मिल के लिखेंगे, आ कभी मिल के लिखेंगे, जिंदगी के किस्से खुल के लिखेंगे, क्या क्या गुजरा है हम सब दिल से लिखेंगे, कैसे बीत गया बचपन उस दौर में चल के लिखेंगे, कैसे बीत गया बचपन उस दौर में चल के लिखेंगे, आ कभी मिल के लिखेंगे, जिंदगी के किस्से खुल
खुल के लिखेंगे। उसी तो भीड़ में भी तेरे होने का एहसास चला, अकेले में बैठ के लिखेंगे। आ कभी मिल के लिखेंगे जिंदगी के किस्से, खुल के लिखेंगे। बंद कमरे की खुली खिड़की से बाहर निकल के लिखेंगे, कैसे बुने थे सपने, ख्वाबों के हर पन्ने को लिखेंगे। आ कभी मिल के लिखेंगे जिंदगी के किस्से, मिल खुल के लिखेंगे। और दर्द, दर्द क्या होता है? खामोश या चिल्लाता है। जिसको दर्द होता है उसकी आंखों में हमेशा एक खामोशी होती है, ठीक है। आप जब बैठोगे देखोगे तो वो शांत रहेगा या कुछ कहना चाहेगा, उसके लिए है। दर्द ही है जो खामोश रहता है, दर्द ही है जो खामोश रहता है, वरना खुशी तो चिल्ला के बोलनी है।